निशा जी के लिए बहुत कुछ बोला गया, बहुत अपशब्द बोले गए हैं कि अपना दर्द अपने तक सीमित रखिए अपनी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो अभी 3-4 दिन पहले जो अंजलि चौहान और निशा लांबा जी का जो मैटर हुआ था, उसमें एक वीडियो मैंने भी बनाई थी, रिएक्शन वीडियो मैंने भी बनाई थी, लेकिन मैंने ना देखिए आरती के लिए कुछ बोला था, ना मैंने कोई निशा जी के लिए कुछ भी बोला था। हाँ, जो मुझे सही लगा वो मैंने बोला कि निशा ने बोला अंजलि चोर है, अंजलि चोर नहीं है। और निशा जी भी अपनी जगह ठीक हैं, हो सकता है उनको कोई गलत फहमी हो गई हो, तो ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, है ना। लेकिन रात मैंने एक निशा जी का वीडियो देखा जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मुझे बहुत ख़राब लगा। निशा जी, आप परेशान मत होइए। और हाँ, बहुत जो है यूट्यूबर ने जो वीडियो बनाई, रिएक्शन वीडियो बनाई, वो अधिकतर अंजलि जी के सपोर्ट में थी। ठीक है, आपको जो सही लगता है उसके सपोर्ट में आप वीडियो बनाइए, लेकिन अपने शब्दों को ऐसा रखिए जो कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। निशा जी के लिए बहुत कुछ बोला गया, बहुत अपशब्द बोले गए हैं। देखिए, मैं किसी से ये तो नहीं कह सकती क्यों बोले, है ना, क्योंकि अपनी अपनी समाज है सबकी, और अब जिसको जो अच्छा लगता है। लेकिन मैं इतना जरूर मैं निशा जी से बोलना चाहूंगी कि निशा जी, मैंने रात आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा, जिसमें आप रो रही थी, अपना घर दिखा रही थी कि अकेलेपन, मैं समझती हूँ अकेलापन क्या होता है। तो प्लीज़ निशा जी, आप किसी के कमेंट पे, किसी की रिएक्शन वीडियो पे आप इतना मत सोचिए, इतना अपने को हर्ट मत कीजिए, इतना अपने को परेशान मत कीजिए, इतना मत सोचिए। देखिए, ये दुनिया है, आप चाहें जैसे रहो, दुनिया को कुछ ना कुछ कहना है, आप चाहें जैसे रहिए, कुछ ना कुछ इसको कहना है। और यहाँ पे पता है, आप इस तरीके से वीडियो बना रही है ना, इस तरीके से परेशान हो रही है ना, तो और अच्छा लगेगा लोगों को, जिसने बोला है ना आपसे, उनको तो अच्छा लगेगा, उनको दुख नहीं होगा जो कि आप उनको दिखा रही हैं, रोके हैं, जो कि अपना दर्द जो उनके उनसे बयां कर रही हैं, उनको वो सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, वो खुश दुखी नहीं होंगे, वो खुश होंगे। इसलिए अपनी प्रॉब्लम को, अपने दर्द को अपने अंदर रखिए, किसी के सामने बयां मत करिए। लोग कमजोरी ढूंढते हैं, लोग और ज़्यादा आपकी हंसी बनाएंगे, और ज़्यादा आपको कमेंट इस तरीके के करेंगे, और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। मैं समझती हूँ आपका दर्द, जिस पे बीतते हैं ना वही समझता है, हर कोई नहीं समझता है। मेरे साथ मेरे बच्चे भी बच्चे हैं, लेकिन आपके साथ तो मैंने देखा है कि आप बिल्कुल ही अकेली रहती हैं शायद। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके कितने बच्चे हैं, एक बच्चा तो मैंने देखा है आपका, तो वो शायद हॉस्टल में रह के पढ़ता है और आप बिल्कुल अकेली रहती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अकेले रहना बहुत परेशानी होती है अकेले में, लेकिन ये हर कोई नहीं समझेगा। तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से बयां मत करिए जिस तरीके से आपने बयां की है एक वीडियो में। रात के 3 बजे आप वीडियो बना रही हैं, रो रही हैं, अपनी छाती पीट रही हैं, परेशान हो रही हैं, इस तरीके से मत करिए। कोई सिंपैथी दिखाने नहीं आता है, आपको और ज़्यादा भला बुला बुला बुरा बोलने वाले आएंगे, आपको सिंपैथी दिखाने कोई नहीं आएगा। तो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अपना दर्द अपने तक सीमित रखिए, अपनी प्रॉब्लम अपने तक सीमित रखिए। मुझे पता है कि जिंदगी में कितना भी पैसा हो, सब कुछ हो, वो सब कुछ है आपके पास, पैसा भी है, मैंने देखा है कि आपका बहुत बड़ा सैलून है दिल्ली के अंदर, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता है। देखिए, फैन भी ऑफ कर रखा है मैंने, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो हर खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, तो मैं समझती हूँ
आपका दुख, आपकी परेशानी, लेकिन प्लीज आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके बयान मत करिए। बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा आपको उचित लगे। मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया कि लोगों का तो काम है बोलना, वो तो बोलेंगे। आपको क्या करना है आप खुद देखिए, आप किसी की बातों पे मत जाइए। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको लगे कि मैंने सही बोला है आपके लिए तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। मुझे लगे कि हाँ आपने मेरी वीडियो को देखा है। और इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू।